हेलो स्टूडेंट, जीके उठा पिथक ठाकुर में आपका स्वागत है। जैसा कि कल वाली वीडियो में है ना, हम लोग आज एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले थे सीजीपीएससी प्री के लिए, जिसका ये पहला वीडियो होगा जो जलवायु पे है ना। मतलब अब समय कम है तो हमको एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है, अर्थात भारत की जलवायु और छत्तीसगढ़ की जलवायु। नक्शे में हमने क्या बनाया, भारत और भारत के अंदर छत्तीसगढ़। तो भारत की जलवायु और छत्तीसगढ़ की जलवायु को साथ साथ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जलवायु के लिए, जलवायु किन चीजों पर आधारित है? जलवायु अर्थात ताप, दाब और नमी, तीन चीजों पे मुख्य घटक जलवायु के, ये तीनों मुख्य घटक है, ठीक है। तो ग्लोब में होता क्या है, जैसे ये ग्लोब हो गया, बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री है ना, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो साल भर सूर्य की किरण जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, मतलब विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती है, जिसके कारण ये वाला हिस्सा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा गर्म होकर धधकने लगता है। और जब यहां की हवाएं गर्म होती है तो भारत की स्थिति यहां पे है ना, छत्तीसगढ़ यहां पे है ना। तो ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, पूरा सागर है। तो जब ये गर्म होता है तो गर्म होने के साथ साथ यहां सागर की पानी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा से हवाएं, कर्क रेखा से हवाएं अपनी दाईं ओर तथा मकर रेखा से हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, गर्म हवा के स्थान जो स्थान रिक्त हो चुका है उसको पूर्ण करने के लिए कर्क रेखा और मकर रेखा से हवाएं चलने लगती है, जो क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा, है ना। तो जो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ जो अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ज्यादा गर्म हो जाता है। ITCZ कभी उत्तरायण होता है कभी दक्षिणायन होता है ना। अर्थात ITCZ जब उत्तरायण होगा, जो स्थल ज्यादा गर्म होगा, जो वाला क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा, उसके बाद ही मानसून आएगा, है ना। तो ITCZ जब उत्तरायण होगा अर्थात जब कर्क रेखा पर पहुंचेगा तो भारत में क्या होगा, मानसून का आगमन होगा, मानसून का आगमन होगा। भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मानसून का आगमन होगा, है ना। और जब ITCZ दक्षिणायन होगा अर्थात मकर रेखा पे आ जाएगा तो यहां कौन सी ऋतु आ जाएगी, शीत ऋतु आ जाएगी। तो आइए इसी को देखते हैं हम लोग। जब ITCZ कर्क रेखा पे पहुंचता है, अर्थात छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, जब ITCZ कहां पहुंच जाता है, कर्क रेखा पर पहुंचता है, तो ये क्षेत्र अधिक गर्म हो गया, गर्म होकर हवाएं ऊपर उठने लगती है, कहां से, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक, नीचे मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। तो उन हवाओं के स्थान को रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए दो तरफ से है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा से हवाएं चलने लगती है। तो दो तरफ से हवाएं आती है, एक हो जाएगा आपका अरब सागर शाखा, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून, और एक हो जाता है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। दो तरह की मानसून भारत में, कौन कौन सा, एक दक्षिण पश्चिम एक उत्तर पूर्वी। तो जो दक्षिण पश्चिम शाखा है, पहले हम लोग अध्ययन करते हैं कहां, ITCZ जब कर्क रेखा में हो, अर्थात जब ITCZ कर्क रेखा में होगा, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो अरब सागर शाखा और जो हमारे यहां से चलेंगी वो क्या कहलाएगी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, है ना। तो दोनों तरफ से हवाएं चल रही हैं। तो भारत की मानसून, भारत में मानसून कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है भारत। कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या पड़ जाता है, पूरा यहां से यहां तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है ना, पश्चिम से लेके पूर्व तक क्या फैला हुआ है, हिमालय पर्वत, जो उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं को रोक देता है। अर्थात यहाँ पे जलवायु विभाजक का काम कर्क रेखा और मकर रेखा करता है, कर्क रेखा और मकर रेखा करता है। लेकिन भारत में क्या होता है कि हिमालय उत्तर पूर्वी मानसून को पूरी तरह रोक देता है, जिसकी वजह से कौन सा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु संपूर्ण भारत में फैल जाता है। अर्थात भारत की जलवायु कैसी है,
उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी। साथ साथ छत्तीसगढ़ में एक और है ना, इसके अलावा एक और विशेषता है, क्यों छत्तीसगढ़ देखो क्या है, भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य किसे कहते हैं, ऐसा राज्य जो किसी अन्य देश की सीमा रेखा से न लगा हुआ हो उसे भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ महाद्वीपीय रूप दर्शाता है, अर्थात छत्तीसगढ़ की एक और जलवायु विशेषता क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी महाद्वीप महाद्वीपीय उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु है ना, उपाद्र जलवायु वाला है। तो अभी हम लोग अध्ययन करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून में देखो साथ साथ क्या फैला हुआ है, भारत के पश्चिमी तट में आ जाओ, भारत के पश्चिमी तट में पूरा क्या है, सह्याद्री है ना, पश्चिमी तट में पूरा सह्याद्री फैला हुआ है। कहां से देखो, यहां पे है कौन सा नदी, नर्मदा नदी है ना, उसके नीचे कौन सी नदी है, ताप्ती नदी, दोनों खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं, दोनों खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। अब जलवायु की एक और विशेषता क्या होती है कि जलवायु जब भी, ये हो गया पर्वत है ना, जलवायु यहां से निकल रही है, ये हो गया पश्चिमी घाट समझ लो, जलवायु जब पश्चिमी घाट से टकराता है, अरब सागर शाखा जब पश्चिमी घाट से टकराता है, तो अभी अरब सागर से आ रहे हैं गर्म हवाएं है ना, उसके साथ क्या है, वायु में नमी है, क्यों, सागर गर्म हुआ, गर्म होकर वाष्प बन के वायु के साथ मिल गया है। तो जब ये पर्वत के पश्चिमी घाट से टकराती है, तो टकराने के बाद अपनी नमी को पश्चिमी घाट पे ही छोड़ देती है, अर्थात नमी को पश्चिमी घाट पे ही छोड़ देती है, तो पूरी नमी बरसात बन के कहां गिर जाती है, पश्चिमी घाट में गिर जाता है ना, पूरी नमी पश्चिमी घाट में गिर जाता है, और पीछे वाला क्षेत्र कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है, अर्थात यहां पे किसका निर्माण हुआ है, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हुआ है। देखो यहां पे महाराष्ट्र के बाजू वाला पीछे वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र के पूर्व वाला क्षेत्र, पूर्व वाला हिस्सा, विदर्भ वाला क्षेत्र कैसा है, वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। सेम तथ्य देखो, अब होता क्या है, जलवायु कहां से प्रवेश करती है, नदी के मुहाने से है ना, बीच में अगर जलवायु के मार्ग में कहीं भी पहाड़ या पर्वत पड़ेगा तो वो पहाड़ से टकरा के अपनी नमी को छोड़ देगा, अर्थात पूरी बारिश पश्चिमी तट पे हो जाती है। जलवायु को प्रवेश करने का मौका है ना, अरब सागर शाखा को, ये अरब सागर शाखा है, प्रवेश करने का मौका कहां से मिल जाता है, नर्मदा नदी के मुहाने से है ना, नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। जैसे ही नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करता है, तो देखो इसके ऊपर में क्या है, ऊपर में विंध्याचल पर्वतमाला, तीन भागों में ये विंध्याचल पर्वतमाला है ना, यहां पे क्या है, सतपुड़ा, ये क्या हो गया, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो अरब सागर शाखा नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करता है, ठीक है, नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करता है, और कहां जाके टकराता है, सतपुड़ा पर्वत पर। देखो सतपुड़ा में क्या हो गया, ये राजमहल, सतपुड़ा के सबसे पश्चिमी वाले को राजमहल, महादेव और कौन सा, राजमहल महादेव और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच जो सीमा रेखा बनाता है ना, वो क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पे एमपी है, एमपी से कूट के छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच जो सीमा रेखा बना रहा है वो कौन सा है, मैकाल पर्वत श्रेणी। तो अरब सागर शाखा नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करके है ना, किसके समानांतर हो जाता है, विंध्याचल पर्वत के समानांतर हो जाता है, और सतपुड़ा के समानांतर हो जाता है, जो कहां पे जाकर टकराता है, मैकल पर्वत श्रेणी पे जाकर टकराता है। अभी हमने जलवायु की विशेषता देखी थी कि जलवायु जब भी किसी पर्वत या पठार से टकराता है, तो अपनी नमी को पर्वत के जिस सिरे पर टकराएगा वहीं छोड़ देता है ना, इसलिए पश्चिमी घाट में क्या हो रहा था, वर्षा है ना, पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, विदर्भ वाला हिस्सा क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश,
वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। इसी तरह देखो ये अरब सागर शाखा जो नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करता है वो कहां जाके टकराया, मैकल पर्वत श्रेणी पे, है ना। तो मैकल पर्वत श्रेणी क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बना रहा है। तो ये अपनी नमी को पूरा कहां छोड़ देगा, मध्य प्रदेश वाले हिस्से पे, मैकल श्रेणी से टकराएगा और मैकल श्रेणी के पश्चिमी हिस्से में पूरी नमी को पश्चिमी हिस्से में छोड़ देगा। और ऊपर जो हवाएं मैकल पर्वत श्रेणी को पार करके जो हवाएं ऊपर निकलेगी उसमें नमी इतनी नहीं रह पाती कि वो इसके आगे वाले क्षेत्र में वर्षा कर पाए। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, कवर्धा, यहां पे कवर्धा है, कवर्धा वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। कवर्धा वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश। भारत में देखो कहां पे, महाराष्ट्र विदर्भ वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश। इसी तरह अरब सागर शाखा जब नर्मदा नदी के मुहाने से प्रवेश करती है तो है ना कौन से पर्वत से टकराती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से, सतपुड़ा का सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी जिसको हम लोग मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है ना। तो मैकाल पर्वत श्रेणी से टकराकर अपनी नमी को छोड़ देती है, मैकाल पर्वत श्रेणी से टकराकर अपनी नमी को छोड़ देती है, जिसके कारण उसका पिछली हिस्सा मतलब पूर्वी वाला हिस्सा है ना, कवर्धा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। ठीक इसी तरह अरब सागर की ही शाखा जब ताप्ती नदी के मुहाने से प्रवेश करती है, कहां से, ताप्ती नदी के मुहाने से प्रवेश करती है, तो देखो नारायणपुर वाला क्षेत्र, नारायणपुर वाला क्षेत्र यहां पे क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये क्या है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है ना। तो नारायण ताप्ती नदी के मुहाने से प्रवेश करके सतपुड़ा पर्वत के समानांतर बहते हुए कहां पे, अबूझमाड़ की पहाड़ी से टकराता है। अब देखो अबूझमाड़ की पहाड़ी कहां है, पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो जब अबूझमाड़ की पहाड़ी से टकराएगा तो अबूझमाड़ की पहाड़ी में अपनी नमी को छोड़ देगा, है ना, अपनी नमी को छोड़ देगा, अर्थात यहाँ पे भारी वर्षा वाला क्षेत्र। तो अब पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अबूझमाड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्यों वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो रहा है, वृष्टि छाया प्रदेश बन क्यों रहा है ना, अबूझमाड़ में क्यों ज्यादा बारिश हो रही है ना। तो कारण है कि अरब सागर शाखा है ना, कोई भी जलवायु नदी के मुहाने से प्रवेश करता है, अगर पहाड़ मिल गया, पर्वत मिल गया, पठार मिल गया तो उससे टकराकर वो अपनी नमी को छोड़ देता है, टकराकर नमी को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं अरब सागर शाखा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। अगर आप जलवायु को अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप जलवायु को अच्छे से समझ लेते हैं तो जलवायु ही मृदा का निर्धारण करेगी, जलवायु ही मृदा का निर्धारण करेगी, और मृदा का अगर निर्धारण हो रहा है तो वहां पे वन कैसे कैसे पाए जाएंगे। अर्थात जलवायु को आपको अच्छे से समझना होगा, अगर जलवायु समझ में आ रहा है तो सब समझ में आएगा। ये वह छत्तीसगढ़ है ना, ऐसी बन गया छत्तीसगढ़ में। देखो कवर्धा बिलासपुर, कवर्धा राजनांदगांव तक क्या फैला हुआ है, मैकल पर्वत श्रेणी, ये पूरा मैकल पर्वत श्रेणी है एमपी बॉर्डर और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। ठीक है, ये वाला क्षेत्र नारायणपुर वाला क्षेत्र ये क्या हो गया, अबूझमाड़। अभी हम क्या देख रहे हैं, अरब सागर शाखा, इससे पहले जो नक्शा बनाया था मैंने है ना, वहां ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के मुहाने से क्या प्रवेश करा रहे थे, अरब सागर शाखा को, है ना। तो अरब सागर शाखा जब प्रवेश करती है तो हमने देखा वो आके कहां टकराती है, मैकल पर्वत श्रेणी में, तो अपनी नमी को छोड़ देती है। नमी कहां से आती है उसमें, जब विषुवत रेखा गर्म होकर धधकने लगता है ना, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जब गर्म होकर धधकने लगता है तो वो वाष्प के साथ, वाष्प बन के हवा के साथ ऊपर उठने लगता है। तो उस रिक्त स्थान को पूर्ण करने के लिए है ना, आजू बाजू से ठंडी हवाएं उनके स्थान को लेती रहती हैं, तो इसमें पर्याप्त नमी रहती है, आगे टकराती है किससे, मैकल पर्वत श्रेणी से, तो अपनी नमी को वो इस वाले हिस्से पर छोड़ देती है ना। इसलिए पीछे वाला क्षेत्र क्या हो जा रहा है, बोल रहे हैं कवर्धा वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश।
वैसे ही देखो ये बॉर्डर में है इसलिए एमपी वाले क्षेत्र पर पानी गिरेगा, यहाँ पे अधिकांश पानी किधर एमपी वाले क्षेत्र पे गिरता है, लेकिन अब्बूझमाड़ की पहाड़ी जो है वो कैसा है छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो जब अरब सागर शाखा ताप्ती नदी के मुहाने से प्रवेश करके अब्बूझमाड़ की पहाड़ी पर टकराता है तो अधिकांश वर्षा कहां कर देता है अब्बूझमाड़ में ही, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो अब्बूझमाड़। और इनको पार करने के बाद किसी भी जलवायु में देख लेना, किसी भी मानसून में किसी पर्वत से टकराने के बाद अगर वो पर्वत को क्रॉस करता है तो उसमें पर्याप्त नमी होती नहीं है कि वो आगे वाले क्षेत्रों पर वर्षा कर पाए, है ना। जैसे कि हमने भारत में भी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर देखे थे पश्चिमी घाट कैसा है, पश्चिमी पर्वत सहयात्री लगातार है, निरंतर उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। सिर्फ दो जगह नदियों ने अपना मुहाना बनाया है, वो है नर्मदा और ताप्ती, जहां से जलवायु प्रवेश करता है। तो महाराष्ट्र के पीछे वाला हिस्सा, पश्चिमी घाट के पूर्वी वाला हिस्सा, विदर्भ वाला क्षेत्र क्या हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, है ना। तो वृष्टि छाया प्रदेश की एक खासियत और है कि वृष्टि छाया प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है ना। इसलिए महाराष्ट्र में देखना कि काली मिट्टी, मैंने बताया था ना कि जलवायु अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मिट्टी, मिट्टी के बाद वन, वन के बाद कृषि फसलें, है ना, और सारे घटक आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए मैंने जियोग्राफी में पहले जलवायु को स्टार्ट किया है। तो ताप्ती नदी के मुहाने से अरब सागर शाखा प्रवेश करके सबसे ज्यादा वर्षा कहां कर देती है अब्बूझमाड़ की पहाड़ी में। अगर यही अब्बूझमाड़ की पहाड़ी यहां बॉर्डर पे होता तो फिर से क्या होता, पूरी वर्षा इधर वाले क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ में जो मानसून प्रवेश करता उसमें नमी नहीं होती, फिर से किसका निर्माण होता वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता, है ना। तो ये इनको पार करने के बाद इस जलवायु में इतनी पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं होती कि वो इनमें बारिश कर पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अरब सागर शाखा अभी हम लोग कहां देखें छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र, है ना, वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया अब्बूझमाड़ हो गया। वैसे अरब सागर शाखा सिर्फ पश्चिमी घाट से टकरा कर क्या कर देगा पूरे भारत के पश्चिमी घाट में वर्षा करेगा, पीछे वाला क्षेत्र कैसा हो जाएगा सूखा हो जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश हो जाएगा। अब देखते हैं अरब सागर शाखा भारत में, है ना, ये हमने बनाया पश्चिमी घाट जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी कार्डमम पहाड़ी तक फैला हुआ है, है ना। यहां पे आपका सतपुड़ा पर्वत, ये उसकी मैकल श्रेणी, ऐसा हो जाता है यहां पे आके राजमहल, है ना, राजमहल, महादेव और मैकल श्रेणी, इसी के ऊपर है विंध्याचल पर्वतमाला जिसे इधर कोरिया वाले क्षेत्र में कैमूर पहाड़ी, कैमूर और भांडेर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा कैमूर और भांडेर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राजस्थान वाले हिस्से में है अरावली पहाड़ी, प्रायद्वीपी भारत का पठार अरावली की पहाड़ी, गुजरात में है गीर, मांडव और बारदा की पहाड़ी, गीर, मांडव और बारदा की पहाड़ी। तो अरब सागर शाखा पढ़ने के लिए आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा कुछ याद रखने लायक अगर बातें हैं तो वो है क्या, नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी, ठीक है। अब आइए इसी में हम लोग जलवायु प्रवेश कराते हैं। तो देखो जब जलवायु प्रवेश करेगी अरब सागर शाखा, तो देखो पश्चिमी घाट कैसा है पूरी तरह से निरंतर फैला हुआ है ताप्ती नदी के मुहाने से लेके कहां तक कार्डमम पहाड़ी तक, है ना। तो टकराने के बाद संपूर्ण वर्षा कहां हो जाएगी पश्चिमी तट पर हो जाएगी और पीछे वाला क्षेत्र सूखाग्रस्त, जिसने यहां पे महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र को नाम दिए हम लोग, क्या, विदर्भ क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश। इसी तरह मैकल रेंज से टकराने के बाद मैकल पर्वत श्रेणी, है ना, यहाँ पे इससे टकराने के बाद ये वाला क्षेत्र
दृष्टि छाया प्रदेश। देखो यहाँ क्या पाया जा रहा था, काली मिट्टी, यहां क्या पाया जा रहा है कवर्धा वाले क्षेत्र में काली मिट्टी, ठीक है। अब अरब सागर शाखा जब यहां से पहुंचती है तो अबुझमाण में अधिक वर्षा, यहां से पहुंचती है तो मैकल के पश्चिमी तट पर, जब वो गुजरात के गिर और मांडव, गिर मांडव और बारदा की पहाड़ी से टकराती है तो सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा करती है, और इनको पार होते हुए जब ये अरावली पर्वत पे पहुंचती है तो अरावली देखो कैसे पड़ जाता है, इसके समानांतर पड़ जाता है, जिसके कारण ये राजस्थान के अरावली वाले क्षेत्र से नहीं टकरा पाता और सिर्फ एक जगह भारी वर्षा होती है, वो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गुरु शिखर से टकरा के वर्षा करती है, फिर निरंतर समानांतर होके आगे बढ़ जाती है दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक पहुंच जाती है। इस तरह यह हुआ अरब सागर शाखा, जिसमें छत्तीसगढ़ में हमने क्या देखा, मैकल पर्वत श्रेणी से टकराने के बाद है ना कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण, और अबुझमाण की पहाड़ियां, नारायणपुर में अबुझमाण की पहाड़ियों में भारी वर्षा, तो छत्तीसगढ़ की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, अबुझमाण, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश कवर्धा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून, और छत्तीसगढ़ के लिए दूसरा वीडियो होगा जलवायु का, कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो महानदी के मुहाने और गोदावरी नदी के मुहाने से प्रवेश करते हुए, क्यों पूर्वी घाट क्या है, कटाछटा है ना, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट कटाछटा है, इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को प्रवेश करने में काफी आसानी हो जाती है, और अरब सागर शाखा जो पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश करता है ना, वो सिर्फ है 10%। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, दक्षिण पश्चिम शाखा, जिसमें दो हिस्से, एक हो जाता है कौन सा, अरब सागर शाखा, और दूसरा हो जाता है कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, है ना। तो अभी हम अध्ययन किए हैं अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा में हमने देखा कि भारत में पश्चिमी पर्वत से, सह्याद्री से टकराकर पश्चिमी तट पर, तटीय प्रदेश, इसको हम लोग तटीय प्रदेश कहते हैं ना भाई, तो तटीय प्रदेश में वर्षा कर देती है, क्यों, पढ़े क्या हम लोग कि किसी भी पहाड़ से टकराकर कोई भी जलवायु अपनी नमी को उसी किनारे पे छोड़ देती है, अर्थात जिस हिस्से से टकराता है जलवायु वो भारी वर्षा वाला क्षेत्र, और उसके पीछे वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। इसलिए यहाँ पे महाराष्ट्र के विदर्भ वाले क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश, देखो मैं मिट्टी के लिए सिर्फ हिंट दिया हूं कि हम अभी जलवायु समझ रहे हैं तो हमको मिट्टी सब समझ में आएगा, है ना, सारे मिट्टी समझ में आएंगे, है ना। जैसे देखो एक उदाहरण, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, जैसे केरल का ये वाला क्षेत्र है ना, केरल का मालाबार तट, 1 जून को सबसे पहले बारिश केरल के मालाबार तट में होता है ना, कौन सी शाखा से, अरब सागर शाखा से, तो 1 जून से यहां बारिश प्रारंभ रहता है, वो जब तक मानसून रहता है तब तक चलते रहता है, तो ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है लगभग 450 सेंटीमीटर, यहां जो वर्षा होती है वो है लगभग 450 सेंटीमीटर। तो मिट्टी में जो सिलिका पदार्थ पाया जाता है ना, मिट्टी में जो सिलिका पदार्थ पाया जाता है वो बार बार पानी, अधिकांश अधिक पानी गिरने के कारण सिलिका पदार्थ पानी के साथ घुलकर मिट्टी में धीरे धीरे अंदर रिसते रहता है, मतलब ये जैसे मिट्टी हो गया तो मिट्टी के अंदर पानी के साथ सिलिका पदार्थ अंदर जाते रहता है, रिसते रहता है, इसलिए सिलिका का क्या हो गया, यहाँ पे निक्षालन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्षालित मिट्टी, केरल में जो मिट्टी पाई जाती है उसको निक्षालित मिट्टी कहते हैं। निक्षालित मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, लेटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, निक्षालित मिट्टी को लेटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो केरल में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, वैसी जब अरब सागर शाखा ताप्ती नदी के मुहाने से प्रवेश करता है और अबुझमाण की पहाड़ी में अधिक वर्षा करता है, तो देखना अबुझमाण के कुछ क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, वैसी जब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जसपुर सामरी पार्ट मतलब ऊंचा प्रदेश मतलब टकराने के बाद भारी वर्षा है ना, जसपुर सामरी पार्ट से टकराता है तो यहाँ पे भी अधिक वर्षा होती है। अब दोनों क्वेश्चन में फर्क है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबुझमाण, औसत वार्षिक वर्षा में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जसपुर,
मतलब वर्ष भर सबसे ज्यादा वर्षा अगर सेंटीमीटर में नापा जाए तो 170 से 175 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा कहां पे हो जाता है, जसपुर में, जबकि 187 सेंटीमीटर वर्षा लेकिन मानसून काल में कहां होता है, अबुझमाड़ में, ठीक है, नारायणपुर अबुझमाड़ में। लेकिन पूरे जिले में अगर वर्षा सेंटीमीटर में देखें तो सबसे अधिक कहां होता है, जसपुर में होता है। कौन सी शाखा से, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से, तो अरब सागर शाखा, क्योंकि केवल क्या कर रहा है, 10% वर्षा करता है, 10% जो भी ज्यादातर कहां हो जाता है, अबुझमाड़ वाले क्षेत्र में, है ना। और जब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे तो इसको हम लोग महानदी और गोदावरी के मुहाने से पश्चिमी घाट पे पूर्वी घाट को पार करा के छत्तीसगढ़ में प्रवेश कराएंगे। तो इस छोर पे जहां जहां पर्वत पड़ेंगे, है ना, उसमें वर्षा होगी, ठीक, और मिट्टी का निर्धारण होगा। तो अभी हम देख रहे थे कि 450 सेंटीमीटर वर्षा केरल के मालाबार तट में हो रहा था, जिसके कारण सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो गया है, सिलिका पदार्थ पानी के साथ रीस के नीचे चले गए हैं, है ना। तो ऐसे निक्षालित मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जसपुर सामरी पार्ट में 170 से 175 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा जसपुर में, तो लेटराइट मिट्टी कहां पाया जाएगा, निक्षालित मिट्टी कहां पाया जाएगा, जसपुर में पाया जाएगा। समझ रहे हैं ना कि जलवायु अगर हम अच्छे से समझते हैं तो हमको संपूर्ण छत्तीसगढ़ और संपूर्ण भारत समझ में आएगा, ठीक है। तो ये समझो जलवायु स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा वीडियो था। अभी छत्तीसगढ़ को लेके पूरा अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों को साथ में मिला के पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से 90% वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। तो जलवायु एक ऐसा चैप्टर है जो जियोग्राफी के बाकी सारे चैप्टरों को समझने के लिए आसान कर देगा। तो इसके 3-4 वीडियो आएंगे, ये तीनों चारों वीडियो को आपको अच्छे से समझना है। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, है ना, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर कम से कम दिन में 2 से 3, 3 से 4 वीडियो बनाऊं, है ना। तो समझ आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा है तो भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है, है ना, डेमो वीडियो की तरह है, समझ लो पहला वीडियो है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्रतिक्रिया देंगे। थैंक यू।